हम लोग इंडिया से आने के बाद घर का हालत बहुत ही ख़राब था, गंदा होके पड़ा था, 1 मंथ से नहीं थे तो। एंड आने के बाद हम लोग तुरंत साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिए। बहुत ही गंदा घर ऐसे बिखरा हुआ का सा पड़ा था। एंड बालकनी में तो प्लांट्स इतना मर गए थे, बहुत सारे प्लांट्स मर गए। ये देखिए, ये वाला भी प्लांट्स मुझे जो बहुत ही पसंद था वो भी मर गया है, सूख गया है। एंड ये वाला भी थोड़ा सा सूख गया है, ये येलो वाला फ्लावर होता था ना, ये भी थोड़ा सूख गया है। मेरे फ्रेंड्स पानी देते थे, बट बीच में बहुत धूप हुआ, वो सब ख़राब हो गया है। हम लोग तुरंत उसको साफ़ करने में लग गए, क्लीन व्लीन, और मिट्टी विट्टी सब था मतलब बालकनी में बिखरा हुआ के, तो हम लोग उसको क्लीनिंग करने में लग गए। एंड इवनिंग को मेरी जो हेबिस्कस का भी प्लांट था वो भी सूख गया। वो बहुत बड़े बड़े हेबिस्कस होता था, वो बहुत सूख गया। बट हाँ, अभी वो फिर से शायद पानी देने के बाद हो जाएगा। एंड देखिए कितना गंदा, ये कवर भर के गंदा, मतलब जो क्या बोलते हैं, पत्ते पत्ते सब पड़े थे, तो उसको भी हटाए हम लोग, धो फुल बालकनी को ही हम लोग धो लिए। एंड घर से भी थोड़ा मैं प्लांट लेके आई थी, मम्मी ने आने के टाइम कुछ प्लांट्स भी मुझे दिए थे, जैसे कि ये अन्नपूर्णा का प्लांट है। अन्नपूर्णा मतलब राइस में, इसको डाल के राइस में बनाते हैं राइस। एंड ये वाला फ्लावर मेरे पास, ये जो दूसरी वाला है मेरे पास है, बट ये अलग कलर का मम्मी के पास था तो मम्मी ने दिए है, तो मैं भी उसको भी थोड़ा सा लेके आ गई। मुझे पता नहीं था ये अलाउ है या नहीं, बट मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, उनको अलाउ नहीं होता तो फिर वो निकाल देंगे। US के लिए तो अलाउ नहीं होता है, बट हाँ दुबई के लिए बहुत सारी चीज़ें अलाउ है, राइस भी अलाउ है। राइस भी आप राइस दाल चावल कुछ भी लेके आ सकते हो। तो मैं ये पौधे दो चार लेके आई थी मम्मी से, एंड उसको तुरंत मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि वो कल से ही बैग में था पैकिंग होके, एंड वो जल्दी ख़राब हो जाए, इसलिए मैं तुरंत उसी दिन ही लगा दी थी, ऐसे ही लगा दी थी। फिर बाद में रिपोर्ट करना है तो मैं रिपोर्ट भी कर लूँगी। ये मैं इंडिया से बहुत सारे सामान कुछ लेके आई थी। ये चिलीज है, ड्राई चिलीज है, यहाँ पे ड्राई चिलीज थोड़ा महंगा है थोड़ा, एंड अच्छा इतना मिलता नहीं है, मतलब बड़े बड़े वाला ये ओडिशा वाला चिलीज स्पाइसी वाला नहीं मिलता है, इतना स्पाइसी नहीं रहता है। तो मैं चिली 1 kg लेके आ गई थी, क्योंकि बहुत यूज़ होता है मेरा। एंड ये है क्या है इसको बोलते हैं, नीम का फूल जो होता है ना, नीम का फ्लावर को सुखा के मम्मी ने दे दिए हैं हमारे यहाँ। ये हम लोग बनाते हैं खाना में, इसको क्या फ्राई करते हैं, फ्राइड वाला खाते हैं हम लोग। ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसलिए घर में भी मम्मी पापा बना के रखते हैं। एंड ये बाबा ने मुझे बना के दिए हैं, थोड़ा सा मामा बाबा ने, तो मैं ये भी लेके आ गई हूँ। एंड ये देखिए, ये हमारे यहाँ कुल्ला बोलते हैं, एंड ये छोटू सा है, मैं इंडिया से ये लेके आई थी। ये मुझे लाना था, मैं US नहीं लेके आई थी, बट यहाँ पे मुझे इतना सामान नहीं था तो ये भी मैं लेके आ गई। ये 50 रुपये मुझे पड़ा इंडिया में। ये बहुत ही क्यूट है, कलर वाला, जैसे थोड़ा अच्छा लुक देता है, और कुछ इसका यूज़ भी बहुत अच्छा है। एंड ये मैं लेके आई थी बॉडी, बॉडी मतलब जो उड़द दाल होता है उसको पीस के, उसको धूप ऐसे छोटे छोटे करके धूप में उसको सुखाते हैं, और हम लोग इसको बहुत सारे खाने में यूज़ करते हैं। तो ये भी मम्मी ने मेरी सासू माँ ने दी है आने के टाइम, ये भी मैं लेके आई थी। मुझे भी पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो ये सब मैं इंडिया से लेके आई थी।
इसको सुखा रही हूँ क्योंकि नहीं सुखाऊंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे धूप पे धूप भी दुबई में अच्छा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सुखा के फिर मैं पैक करके रख दूँगी। ये बहुत दिन जाएगा, जैसे नहीं सुखाऊंगी तो ये ख़राब हो सकता है। तो इसको 2 से 3 दिन मैं इसको धूप दे के रख दूँगी। एंड मम्मी ने बोला भी था कि वो जो नीम का फूल है उसको थोड़ा सा धूप देने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा आधा सुखा के दिए थे, क्योंकि मैं आने का जल्दी जल्दी मैं आ रही थी, तो 2 दिन में ही बना के उन्होंने दिए। थोड़ा सा वहाँ पे सूख गया था, यहाँ पे मुझे 2-3 दिन सुखाना का धूप में दिखाना पड़ेगा। तो ये सूखने के बाद मैं इसको पैक करके रख दूँगी। अच्छे से फैमिली के साथ करें। एंड आज सैटरडे है, यहाँ पे डुगू को मॉर्निंग में 3-4 फैमिली बुलाए थे कन्या पूजन के लिए, एंड वो गई भी थी। उसका तबीयत थोड़ा ख़राब है, उसको थोड़ा कोल्ड हो गया है, तो हम मैंने वीडियो आपके लिए नहीं लिया वो कन्या पूजन का। एंड थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग चले गए तो मैंने वीडियो नहीं लिया। एंड उसके बाद आके थोड़ा सा सादा सिंपल सा खाना बना के खा लिए। एंड थोड़ा सा लेजी लग रहा था, कुछ कहीं जाने को मन नहीं कर रहा, तो हम लोग सो गए थे। एंड सो के अभी उठ के हम लोग बाहर निकले हैं, थोड़ा कहीं पे जा घूम के आए और अच्छा लगे करके, इसलिए निकल के आ गए। एंड अभी का टाइम है 3:30 का टाइम है। एंड हम लोग जा रहे हैं आज प्लांट्स लेने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि प्लांट सारा सूख गया है, तो हमें मेरी गार्डन के लिए नया प्लांट्स कुछ लेना है। एंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचे कि बाहर आके थोड़ा घूम के जाए तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर आ गए हैं। एंड ये हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो ये अल वर्सन करके एक जगह है। मेरा एक लास्ट वीडियो है, मैंने पहले से एक वीडियो है, मैं यहाँ से पहले हम लोग जब दुबई आए थे यहाँ से प्लांट शॉपिंग पहले बार किए थे। एंड अच्छा प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है और बहुत सारे वेराइटी का भी प्लांट्स मिलता है। आप दुबई में रहते हो तो ये जगह जाके आराम से प्लांट वगैरह और पॉट भी बहुत अच्छा मिलता है। आप चाहो तो वो लास्ट वाला वीडियो भी आप देख सकते हो। एंड और एक चीज़ कहूँगी, मेरा लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था, जैसे कि मैं बताया इंडिया जाने के बाद मेरा वन मंथ मैंने वीडियो नहीं डाला था। एंड मेरा नया नया चैनल है, इतना मतलब नया स्टार्टिंग में ही मैंने 1 मंथ बंद कर दिया था। बट इस बार जब मैंने पहले लास्ट वीडियो मैंने डाला था पापा का वीडियो बहुत व्यूज़ गया है। मेरा जितना सब्सक्राइबर नहीं है उससे ज़्यादा बहुत गए हैं व्यूज़। आप इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग ये वीडियो देख के मेरे साथ कनेक्ट कर पाए हैं। एंड बहुत सारे मैसेजेस भी आया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरा वीडियो देखे आप लोगों ने, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो वाला वीडियो इतना व्यूज़ आएगा, क्योंकि मैंने पता नहीं मैंने ऐसे ही बनाया था वो वीडियो। एंड बहुत सारे लोगों ये वीडियो देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये मैं ट्राई करूँगी, थोड़ा सा रिकवर होने के लिए टाइम तो लग रहा है, मन नहीं कर रहा है कभी कैमरा के सामने आगे कुछ प्लान करने के लिए भी नहीं हो पा रहा है। बट यस, मैं ट्राई करूँगी आपके लिए नया नया वीडियो लेके आने के लिए। एंड मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाने का प्लान स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो आज हम लोग जा रहे हैं वर्सन, तो चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या क्या प्लांट मिल रहा है और कैसे प्लांट है वहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो जगह है ये सारा मतलब बहुत सारा नर्सरीज है, बहुत सारा प्लांट मिलता है, बहुत वैरायटी का, बहुत बड़ा जगह है, बहुत सारे दुकान है यहाँ पे प्लांट्स का, आप देख सकते हो। ये देखिए कितने बड़े बड़े भी प्लांट्स वो लोग बेच रहे हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है ये। टाइप नहीं,
এটা ওটা কোউ মল্লি কে জানি হ্যাঁ এটা মল্লি ফুল এটা না মল্লি নু এটা হ্যাঁ বাস না কোন টগর গাছ না ये अलग कुछ यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्लांट्स पॉट्स भी मिल रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था बहुत सारा, फिर भी और एक बार दिखा रही हूँ आपको। एंड यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में जो भी प्लांट मिलता है सारा प्लांट्स यहाँ पे मिलता है। एंड जो भी प्लांट्स ढूंढो यहाँ पे मिल जाता है इंडिया जैसे, बट जैसे यूएस में इतना सारा वैरायटी प्लांट्स नहीं रहता है क्योंकि वहाँ का वेदर अलग ही है, ठंड था। फिर भी मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्लांट लगाया था, बट हाँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि यहाँ पे बहुत टाइप का प्लांट्स मिल जाता है। एंड ये वाला प्लांट्स मेरे घर में है, मेरे लाइक मीन्स मेरी मम्मी के घर में है ये वाला प्लांट्स, और ये बहुत खुशबू अच्छा रहता है इसका, बट पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। और ये देखिए ये एक लेमन है, ये देखिए कितना फ्लावर हुआ है और छोटा सा पेड़ में कितना सारा लेमन हुआ है। एंड ये एक प्लांट है, बहुत सारा बड़े बड़े प्लांट्स है यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स है। एंड ये कुछ कौन सा प्लांट है, ये बहुत सुंदर सा फ्लावर है, इसमें बहुत सुंदर दिख रहा है। एंड ये है कैक्टस, बड़े बड़े कैक्टस है। और ये कोकोनट का प्लांट है सारा, कोकोनट इतने बड़े बड़े प्लांट्स भी वो लोग सेल कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पॉट्स में हैं। एंड ये देखिए ये बहुत सारा लेमन है यहाँ पे, जो हमारा देसी लेमन होता है ना वो वाला लेमन है, बहुत बड़े बड़े हैं। ये प्लांट लेके एक लगाओ तो सही में ये बहुत यूज़फुल है। ये देखिए कितना बड़ा सा लेमन हुआ है, ये देखिए कितना। अरे ये है बनाना वाला प्लांट्स, बहुत सारे बनाना प्लांट्स हैं। हम लोग बालकनी में प्लांट्स रखेंगे तो ये सब प्लांट्स लेके हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। ये है मेरी डुगु, उसका तबीयत थोड़ा खराब है। ये वाला जो छोटे हमारा जो देसी लेमन होता है, ये छोटे वाले पॉट को वो 50 रुपीज़ बोल रहे हैं एंड बड़े वालों को 100 बोल रहे हैं, मतलब इंडिया के रुपीज़ कन्वर्ट करो तो छोटे वाला 1000 है एंड बड़ा वाला जो है 100 मतलब 2000 रुपीज़ का है। बट हाँ देखिए इतना सारा लेमन है उसमें तो ठीक है, इतना प्राइस में भी अच्छा है, ये प्लांट्स लेके लगा सकते हैं हम लोग। ओके ये है बैम्बो प्लांट, यहाँ पे कितने बड़े बड़े बैम्बो प्लांट्स भी मिल रहे हैं एंड इसका प्राइस है 150 दिरहम, मतलब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो ये 3000 रुपये का है। डू यू लाइक इट? ओके या मनी प्लांट, ये इसका क्या प्राइस है भैया बड़ा वाला? 120 दिरहम का। ये फिक्स आप निगोशिएशन नहीं करोगे? फिक्स है? और ये छोटे प्लांट्स भैया इसका प्राइस क्या है मनी प्लांट का? 50। ओके दुगु चश्मा पकड़ लेना माँ। एंड ये वाला कितना है भैया? ये वाला कौन सा है? ये वाला 30। देखते हैं, देखो थोड़ा। और भैया ये बड़ा वाला प्लांट्स कितना है? ये वाला ये बहुत ज्यादा है, 200 मतलब 4000 रुपए इंडिया के हिसाब से। एंड ये बाम्बू वाला, ये छोटा वाला, सॉरी 30 है। ये इंडोर ही है राइट? हाँ मतलब कुछ कम करे आप नीचे पर। एंड ये देखिए कितना सुंदर कैक्टस है, बहुत सुंदर है ये वाला देखिए। ओके 1 मिनट। एंड ये वाला फ्लावर देखिए, ये जो कैक्टस है छोटे छोटे कैक्टस, इसमें बहुत सारा कलरफुल फ्लावर दिख रहा होगा आपको, आपको जैसे पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था, मुझे ये अभी ये भैया ने बताया कि ये जो फ्लावर्स है ना छोटे छोटे,
कलरफुल दिख रहे हैं, ये प्लास्टिक का है एंड ये बहुत सस्ता है, 15 दिरहम का मिल रहा है एंड ये जो है प्लास्टिक का है तो ये नहीं जाएगा कभी भी एंड बहुत ही क्यूट है। मैं तो सोच रही थी ये रियल है बट ये फेक जो क्या बोलते हैं प्लास्टिक फ्लावर को लगाए हैं उसमें और बहुत सुंदर दिख रहा है। Actually, before I saw a cactus, I just put the hand on a cactus. My sister finger. When you press it, it hurts a lot. Okay. Don't touch that plant. Okay. Yes, I know. ये डुगु के इधर देख, ये लुगु डुगु दिखा। चल चल, ये है जबल नर्सरी, यहाँ पे जस्मीन बहुत अच्छा मिल रहा है एंड प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। ये 20 बोल रहे हैं एंड 15 में दे देंगे ये एंड ये बहुत बहुत सारे देखिए है एंड आप आओगे तो यहाँ से ले सकते हो और ये सस्ता भी है, 15 दिरहम में आराम से ले सकते हो। मैं भी एक ले रही हूँ एंड चूज़ कर रही हूँ कौन सा लूँगी करके वो देख। सॉरी, एंड ये देखिए गार्डन को सजाने के लिए कितना कुछ है एंड ये वाला ये है सॉफ फ्लोरिस्टिक, ये क्या है फ्लोरिस्टिक्स, सॉफ का नाम है फ्लोरिस्टिक। यहाँ पे बहुत सारा, ये देखिए कितना क्यूट है, ये वेलकम लिख के खड़ा है एंड 1299। अच्छा ये डॉलर में लिखा हुआ है। अच्छा, और ये सब का प्राइस डॉलर में है इसमें लिखा हुआ एंड ठीक है, डॉलर के हिसाब से देखो तो प्राइस ठीक है इसका एंड इसका देखो कितना है, ये है भी वही 13 डॉलर है, $13। ये बहुत सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है बट हाँ ग्राउंड वाला फ्लोर हो तो अच्छा है सजाने के लिए बट हमारे पास इतना जगह नहीं है एंड ये दुकान का नाम है फ्लोरिस्टिक्स एंड दिस देखिए कितना सुंदर है ये सब। चलो अंदर चलते हैं, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है सारा। वाओ, सो नाइस। ये देखिए कितनी साइज का, कितना वैरायटी का बुद्धा का मूर्ति है, बुद्ध जी का एंड ये देखिए बैठने वाले हैं, ये काले वाले बैठने वाले हैं एंड ये वाला भी है। यस, छोटा सा पॉपी, मैंने तो उसको डॉली समझ, वो स्टैचू समझ लिया। हाय हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, टू 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 टू, छोटा सा पप्पी, देखो आ जाओ, देखो छोटा सा पप्पी है, देखो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, देखो आ जाओ उसको, हाँ तो आऊँ से मूवी डेन हो चुने हाय बच्चू। हाँ, ये सारा बहुत सारे दुकान है जैसे प्लांट का, हैंगिंग का, कुछ भी चाहिए तो ये बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, छोटे छोटे दुकान है। ओके, ये 35 का है फुल सेट। अच्छा, थोड़ा कम नहीं करोगे? तो यहाँ से लास्ट टाइम कोकोनट पॉट जो ली थी यहाँ से, तो ये भैया भी इस बार हम लोग आए हैं लेने के लिए तो भैया दे रहे हैं। भैया ये वाला और वो वाला दिखाइए, हम देख के फिर ले लेंगे। गंगा हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगदीप तरंगा।
आजकल डुगु का ये फेवरेट गाना हो गया है, कहीं पे भी बैठती है, इवन वो बाथरूम में भी यही हमारा नेशनल सॉन्ग बाथरूम में भी गाती है तो उसका अभी वो फेवरेट गाना चल रहा है। अभी अंधेरा भी हो गया, होने लगा है, हम लोग घर जा रहे हैं। अभी अभी प्लान हम लोग ले लिए हैं बहुत सारा एंड हम लोग आके पहुंच गए हैं घर। एंड ये प्लांट लाना घर के अंदर बहुत मुश्किल है, पार्किंग से लिफ्ट में उठा उठा के लेके आए और अभी लिफ्ट से बाहर निकल के रख रही हूँ। यहाँ से फिर घर उठा के नीचे जाना है, ट्रॉली लेके जा सकते हैं, नीचे ट्रॉली है, फिर उसको लेके आओ और उसके नीचे रखो, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट वो लिफ्ट में रख के ले आए हैं। एंड अभी उसको रखना है घर घर में। ये हो गया हमारा प्लांट्स, इतना हम लोग लेके आए हैं। एंड अभी जाना है, डिनर बनाना है। यस, एंड हम लोग को अभी डिनर बनाना है, लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। एंड ये मैं जब लगाऊंगी उसका वीडियो और एक ब्लॉग में डाल दूंगी, आप देखिएगा कौन सी प्लांट है और क्या क्या कितना प्राइस लिया है सबका। एंड हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर बनाएंगे, मैं मटन लेके आई हूँ, तो अभी मटन बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ।